नया चैप्टर स्टार्ट करना है और मालूम होगा उस चैप्टर का नाम क्या है, बताओ। सैलरी, हिंदी में कहते हैं इसको वेतन, तनख्वाह। हम क्या बोलते हैं? तनख्वाह। द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर आपका स्टार्ट तो होता है सेक्शन 15 से, कहां से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को सेक्शन 14 से। देखो मत, बिल्कुल फत्ते को बंद कर दो, किताब तो बंद नहीं कर, बिल्कुल बंद कर दो। ये तो मिलाते मिला मिला कर पढ़ो, पढ़ोगे एक सर सही पढ़ा गलत पढ़ो। ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 15 से, लेकिन हम दो सेक्शंस पीछे जाकर इस चैप्टर की बात करेंगे जो बेसिक्स हैं सेक्शन 14। क्या है ये सेक्शन 14? ये बताता है 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बताता है? अच्छा, बता चुके हम, नहीं बताया तो सुन लो। सर हमारा सैलरी हेड ऑफ इनकम होता है, दिस इज आवर फर्स्ट हेड ऑफ इनकम सैलरी। मैं कितने तरीकों से कमा सकता हूं? मेरे पास कमाने के टोटल 5 रास्ते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है यू हैव ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। आप जो कुछ भी कमाओगे, कैसे भी कमाओगे, इन्हीं 5 में जाएगा। किन में जाएगा? इन 5 में। कौन से 5? या तो मैं मजदूरी करता हूँ, तनख्वाह पाता हूँ, मजदूरी भी तनख्वाह मानी जाती है, इनकम टैक्स में सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, मेरे पास अपना घर है, बहुत बड़ा घर है, क्या जरूरत है किसी के यहाँ नौकरी करने की? किराए पर उठा दो, किराए पर उठा दो, किराया मिलेगा, इनकम है या नहीं है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ना तो मेरे पास नौकरी है और ना तो मेरे पास घर है, क्या मैं ना कमाऊं? मैं अपना बिजनेस करूंगा। क्या करूंगा? आई विल स्टार्ट माई बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम आती है। एक और तरीका है कमाने का, हम अपनी कैपिटल एसेट्स को मार्केट में बेच सकते हैं। घर पे गहने रखे हुए हैं, घर पे बहुत बड़ी जमीन है, 4 जगह जमीनें हैं, है कि नहीं? हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके कैपिटल गेन कमा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, जो कहीं ना आए, मैं जुआरी हूं। क्या हूं? जुआरी हूं, नशेड़ी नहीं बोल रहा, जुआरी हूं। बताओ ये जो मैं कमाऊंगा कहाँ जाएगा? क्या वो मेरी तनख्वाह है? क्या वो मेरा बिजनेस है? क्या वो मेरा कैपिटल गेन है? क्या हाउस प्रॉपर्टी है? कहाँ है? अदर सोर्सेज, यानी इस चारों के अलावा आप जो कुछ भी कमाएंगे दैट विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IOS। क्लियर? इन टोटालिटी दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5। सर सेक्शन याद रखना जरूरी है? याद रखना कोई कठिन भी तो नहीं है। 1+4=5 हेड्स ऑफ इनकम याद रहेगा। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम विच आर मेंशनड अंडर सेक्शन 14। एक सेक्शन और आया, सेक्शन 14A। क्या कहता है ये सेक्शन, जरा देखा जाए। इसने बहुत अच्छी बात की,
अब मैं कुछ और बेस में जाता हूँ जो हमेशा हर जगह काम आएगा टैक्स में। अगर इनकम टैक्स एक्ट कुछ बोलता नहीं है किसी मैटर पे, चुप रहता है, तो लिटिगेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं एसएससी एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती होता है, क्योंकि इनकम टैक्स चुप है। और जब चुप है तो एसएससी कहेगा जहाँ मेरा बेनिफिट हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा जहाँ मेरा बेनिफिट हो। नॉर्मल सेंस में बात अगर की जाए, अगर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की बात करें, तो लॉ अगर किसी मामले में चुप रहता है तो एक चीज़ याद रखना, वो हमेशा उसका बेनिफिट होने देगा, उसके फेवर में बात करेगा जिसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। अगर कोई एक्ट किसी मैटर पे शांत रहता है तो उसको इंटरप्रेट करने का एक ही तरीका है कि वो मैटर जिस पर डिस्प्यूट्स हैं वो उसके फेवर में जाएं जिसके लिए इस एक्ट को फ्रेम किया गया है। अब बताओ इनकम टैक्स एक्ट का मेन इंटेंशन बेनिफिट है एसएससी के फेवर में या अगेंस्ट है एसएससी के फेवर में, या डिपार्टमेंट के फेवर में बात करेगा इनकम टैक्स एक्ट या एसएससी के फेवर में, कौन बताएगा? बोलो, एसएससी के फेवर में। डिपार्टमेंट के फेवर में? जी हाँ, एसएससी के फेवर में। यह किसी को परेशान करने के लिए सरकार ने कानून नहीं बनाया, ये कानून हम लोगों की सहूलियतों के लिए बने हैं। तो ये इनकम टैक्स एक्ट भी हमारे कन्वीनियंसी के लिए बना है, सबको इक्वलाइज करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए। क्लियर है? कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम को दूर करने का मेन इंटेंशन है इनकम टैक्स को फ्रेम करना, तो एसएससी के अगेंस्ट में नहीं है, डिपार्टमेंट के फेवर में तो नहीं। अगर कहीं चुप है तो वो एसएससी के फेवर में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि एसएससी को कन्वीनियंट करने के लिए। क्लियर? सेक्शन 14A, ढंग से सुनना मेरी बात। एक बंदा था मिस्टर एक्स, ये सेक्शन क्यों बना? हाँ बोलो, ये सेक्शन क्यों बना, हम जरा उसकी बात करते हैं। मिस्टर एक्स है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने पैसा लिया, जानते हो उसके पास कैश कितना है? 1,00,000। और उसने ये पैसा दो जगहों से पाया, कैपिटल से 60,000 और लोन से 40,000। हो सकता है नहीं हो सकता? 12% लोन। उसने इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कर सकता है नहीं कर सकता? उसने इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और जानते हो कहां इन्वेस्ट किया? 15% नॉन टैक्सेबल सिक्योरिटीज में, 40,000, और 10% सिक्योरिटीज में 60,000। दो मिनट के लिए हम भूल जाते हैं ये पैसा अलग अलग आया, मान लो ये पैसा एक ही सोर्स से आया, 12% लोन से। हो सकता है? अच्छा, उसने 1,00,000 रुपए किसी से लिए और इस पैसे को दो जगह लगा दिया, एक तो टैक्सेबल सिक्योरिटी में और एक नॉन टैक्सेबल सिक्योरिटी में। अब हुआ क्या होगा साल के अंत में, जरा उसकी बात करते हैं। ये उसका पीएल अकाउंट दिख रहा होगा, उसने कहा मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, बोलो ना। दूसरी तरफ वो करा है, मैंने कमाया, क्या कमाया? 15% इंटरेस्ट कमाया ऑन 40,000 यानी 6,000, और 10% इंटरेस्ट कमाया ऑन 60,000 यानी 6,000। और वो कहता है कि ये टैक्सेबल नहीं है, क्या बोलता है? नॉन टैक्सेबल आइटम है, इसकी इनकम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल इनकम नहीं है।
सरकार ने छूट दे रखी है, तो इसका मतलब मेरी इनकम कितनी? 6,000। खर्चा कितना? तो हमें लॉस कितना हो गया? आई दा दा लॉस हो गया, लॉस हो गया, दिख रहा है। अब मामला गड़बड़ हो गया। एसेसिंग ऑफिसर ने लड़ाई की, कहा बेटा 40,000 का 15% तो तू 6,000 मान ले रहा है, माफ है, लेकिन उसका खर्चा तू इसमें दिखा रहा है। सर मैं कैसे दिखा रहा हूँ? तो बोलेगा कि 40,000 का इंटरेस्ट अलग करो, 60,000 का इंटरेस्ट अलग करो। बोलो ना, 4,800 रुपये इस पर हो गए इंटरेस्ट और 7,200 इस पर हो गया 12% के हिसाब से। तुम कह रहे हो टोटल 12,000 है, अलग अलग कर लिया। ये कौन बोल रहा है? एसेसिंग ऑफिसर। एसेसर ने कहा हाँ, दिक्कत क्या है तुमको? मेरा 12,000 का खर्च है, मैं 12,000 का खर्च लिख रहा हूँ, इनकम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 6,000 है, तो 6,000 इनकम है, तो बाकी तो लॉस। एसेसिंग ऑफिसर ने कहा बेटा अगर तू इसके इनकम नहीं मान रहा, अगर तू इस अमाउंट पर मिली हुई इनकम को इनकम नहीं मान रहा, तो इस अमाउंट पर जाने वाले इंटरेस्ट को तू खर्चा कैसे मान सकता है? हाँ या ना? बवाल पड़ा और ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कहाँ? और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया होगा जरा बताओ। कॉमन सेंस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया होगा? बोलो बेटा बताओ, तुम बोलो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा? कि 4,800 खर्चे को खर्चा माने या ना माने? इनकम टैक्स के हिसाब से लॉस, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से लॉस 1,200 होना चाहिए और एसएससी के हिसाब से लॉस 6,000 का होना चाहिए। बताओ सही कौन? सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में जाएगा, 6,000 या 1,200? 6,000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट साइलेंट है। एक्ट क्या है? साइलेंट है। उस समय सेक्शन 14A नाम की कोई चीज नहीं थी, उस समय सेक्शन 14A के नाम से कोई चीज नहीं थी, एक्ट साइलेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली चीज एक्ट साइलेंट है, दूसरा एसएससी का बिजनेस एक है, एसएससी का बिजनेस कंट्रोलिंग पर्सन वही है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक ही बंदा मेंटेन करता है, एक ही जगह मेंटेन करता है, सेम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड फॉर बोथ ऑफ दीज टू सिक्योरिटीज। आप कैसे कह सकते हैं कि उसने जो पैसा लिया था उसने इतना इसमें डाला, इसमें इतना डाला? आप नहीं बोल सकते। ये खर्चा खर्चा माना जाएगा, कंट्रोलिंग पावर एक, बुक्स ऑफ अकाउंट एक, पैसा लिया है ये तो एसएससी की चालाकी है कि वो टैक्सेबल जगह इन्वेस्ट कर रहा है या नॉन टैक्सेबल, और एक्ट आपका कुछ बोलता कहां है? एसएससी के फेवर में केस चला गया। लेकिन सरकार का ये इंटेंशन नहीं था, गवर्नमेंट का ये इंटेंशन, सरकार के हाथ पांव फूल गए। उसने कहा भाई अब सुप्रीम कोर्ट के केस को हमें पलटना है, सुप्रीम कोर्ट के केस को क्या करना है? पलटना है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस को हम सुपरसीड तब कर पाएंगे जब हम उसके लिए कोई एक सेक्शन ला दें, और सेक्शन लाने का काम पार्लियामेंट में ही होता है। पार्लियामेंट में एक सेक्शन रखा गया सेक्शन 14A, जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पलट दिया। अब तुम लोग हमें बताओ क्या रखा गया होगा यहां पे, क्या बोला गया होगा? अब तो बता सकते हो, बोलो क्या बोला गया होगा? इसको देख करके लॉ बनाओ, इस केस पे मत जाओ, लॉ बताओ क्या बनाया गया होगा। कि अगर कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, या अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता, तो उससे रिलेटेड खर्चा भी अलाउड नहीं होगा, उससे रिलेटेड खर्चा भी आप छूट नहीं ले सकते,
उससे रिलेटेड खर्चा भी आपके टैक्स सिस्टम के बाहर चला जाएगा। जैसे इनकम यहां से आउट, वैसे ही एक्सपेंसेस यहां से आउट। यही तो बोला गया होगा। नाउ देयर इज अ न्यू सेक्शन बिफोर यू एंड दैट इज योर सेक्शन 14A व्हिच सेज इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स then the related expenditure will be disallowed. Is it okay? पक्का समझ में आया? Section 14 ने कहाँ से आया? If any income is exempt, then the related expenditure will be disallowed. अगर income को income में नहीं ला रहे हो तो बेटा उससे related खर्चे को तुम खर्चा कैसे मान रही हो? जरा देखें page number 23। अच्छा 14 ए इसमें नहीं दिया है क्या मैंने? चल बता तो दिया ना। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम, पांच हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। क्लियर? हम जो अब बात करने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 14 ए, कहीं लिख लो कहीं पर। सेक्शन 14 ए अपनी बुक पर लिख लेना। क्या लिखोगे? इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सर सेक्शन 14 ए समझ में आ गया, तो क्या अब हम लोग सैलरी के मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे? हाँ, सैलरी के मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। क्या कहता है आपका सेक्शन 15? लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हम उसके कुछ बेसिक बैकग्राउंड्स के बारे में जान लें। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए दो लोगों के बीच में। अगर मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो सैलरी है, सैलरी ऐड मिल जाएगी, तो इसका मतलब मैं एम्प्लॉयर हो गया और आप, क्योंकि सैलरी तो कहीं और से आ भी नहीं सकती, आ सकती है कहीं से, एम्प्लॉयर के अलावा से कहीं से सैलरी आ सकती है? अरे आ सकती है सैलरी, हम आपके एम्प्लॉयर नहीं, लेकिन तब भी आप हमसे सैलरी मांगते हो, है कोई तरीका? याद आ रहा है? नहीं, मैं बताऊं? एक डॉक्टर है, मेरा कॉलेज चलता है या मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। मैंने डॉक्टर से बोला कि तू मेरे यहाँ आ, हर महीने एक चक्कर लगा जा, सारे बच्चों का हेल्थ चेकअप करके जा कि सारे बच्चे ठीक ठाक हैं या नहीं, आँखों की रोशनी सही है या नहीं। हेल्थ चेकअप कैंप लगाते, सारे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है या चेकअप होता है। और उस डॉक्टर का मैंने महीना बांध दिया 5,000। अब मुझे बताओ, इज इट अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज गिवन बाय मी टू डॉक्टर और समथिंग एल्स? 5,000 महीना, इसको हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हॉप हिप हॉप, नहीं इसे नहीं कहते, बताओ क्या कहते हैं? हाँ नहीं, से सैलरी नहीं कहते, ही इज नॉट माई एम्प्लॉई। वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज मुझे दे रहा है, जब चाहे छोड़कर चला जाए, वो मेरा नौकर है, मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, नहीं तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑनोरेरियम, फर्क समझो, इसको हम लोग कहते हैं ऑनोरेरियम।
है रिमनरेशन, है रिमनरेशन पारिश्रमिक, सैलरी भी जो आप देते हो वो भी होता है रिमनरेशन, लेकिन दोनों में फर्क होता है। यहां पर देयर इज अ कंडीशन बिटवीन टू पर्सन दैट यू विल वर्क अंडर माइन टर्म्स, यू विल वर्क अंडर माइन काइंड कंट्रोल, यू विल वर्क वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन विल बी गिवेन टू यू, बट हेयर द पर्सन इज प्रोवाइडिंग इट्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू अस ऑन अ रिमनरेशन बेसिस, वेदर द रिमनरेशन हैज बीन फिक्स्ड ऑन अ डे बेसिस और मंथली बेसिस। इज इट ओके? क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ या ना? तो हम ऐसे लोगों की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे सैलरी में, उन दो लोगों की बात करेंगे जिनके बीच में रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का। तो सर एक बात बताइए, फिर एक कंफ्यूजन आ गया, एक कंफ्यूजन फिर आ गया सर। ये जो डायरेक्टर होते हैं, किताब मत देखना, नीचे देखोगे मौर खाओगे, डायरेक्टर होते हैं, ये जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, जिनको हर महीने 20,000 40,000 1.5 लाख 5 लाख रुपए तक की सैलरी जाती है, दे आर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और नॉट? आर दे ऑफिसर? दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी? दे आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी पर मंथ? अरे बोलना, सांप क्यों सूंघे यार, थोड़ा लोचा हो गया। अरे बोलो भाई, ये बेस है जो आपको सैलरी को आगे करने में बड़ा मदद करेगा, डिफरेंशिएट करने में। हाँ बोलो, क्या नाम बाबू? राजलक्ष्मी किसका नाम है? हाँ बोलो। ऑफिसर, दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे आर, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब अगर ये तय करना हो कि किसी डायरेक्टर को हमने जो तनख्वाह या सैलरी दी है विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हेड्स ऑफ, इन द हेड ऑफ सैलरी और अदर सोर्सेस, क्योंकि अगर सैलरी नहीं होगा तो कैपिटल गेन है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, तो जाएगा कहाँ? अदर सोर्सेस। या तो ये सैलरी है या तो ये सैलरी नहीं है। अगर सैलरी है तो ये कौन बताएगा? डायरेक्टर का तुरंत अपॉइंटमेंट का लेटर निकालो। डायरेक्टर्स को जिन बेसिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपॉइंट किया गया था वो लेटर निकाल दो। उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, उस पर लिखा है कि फलाना डायरेक्टर जो यहाँ रहता है होशो हवास के साथ कसम खाता है कि मैं सुबह 5 बजे 10 बजे आऊँगा, 5 बजे तक काम करूँगा, महीने में मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, फलाने का जैसे नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन देयर एंड। नाउ टेल मी दैट वेदर ही इज एन एम्प्लॉई और द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। क्या लगता है आपको टर्म्स कंडीशंस सुनने के बाद, एम्प्लॉई है या ऑफिसर है? जो कंपनी के मेन डायरेक्टर होते हैं ना, वो कब आएंगे कब जाएंगे कोई बोलने वाला नहीं होता, कितना पैसा बिजनेस के फंड में से ड्रॉ करेंगे कोई पूछने वाला नहीं होता। अरे मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, मैं 2 लाख निकाल करके जाऊं, कोई तुम लोग मना करोगे? तुम लोग मना कर सकते हो? नहीं मना कर सकते। लेकिन ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रहा है, जो सुबह 10 बजे आता है 5 बजे जाता है, जो अंडर द इंस्ट्रक्शंस काम करता है, तेरा काम केवल सेल को देखना है, खबरदार जो परचेज में आया तो, अरे इज एन एम्प्लॉय, टर्म्स कंडीशन से पता चल जा रहा है ही इज वर्किंग लाइक एन employee, even though he is a director, he cannot be treated as an officer of the company, he will be treated like a employee. और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर माना जाऊंगा क्योंकि मेरे आने और जाने का कोई समय नहीं है। आई एम द पार्ट टाइम डायरेक्टर, मैं पार्ट टाइम डायरेक्टर हूँ। लोगों को लगता है पार्ट टाइम डायरेक्टर जो होते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं, और जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के ऑफिसर होते हैं। उल्टा समझो, जो फुल टाइम होते हैं बेचारे 10 बजे आते हैं 5 बजे तक रगड़ते रहते हैं, उसके बाद जाते हैं घर अपना, इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करते हैं क्योंकि इधर उधर हिल नहीं सकते। और जो पार्ट टाइम होते हैं कब आए और कब गए पता नहीं है, दोनों में फर्क है। लगता उल्टा है लेकिन है सीधा। अब क्लियर है? तो डायरेक्टर्स की जब बात आएगी, देन वी हैव टू सी वेदर दे आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और नॉट। इफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज डायरेक्टर्स क्लियरली सेज दैट दे विल वर्क लाइक एन एम्प्लॉय, देन द सैलरी गिवन टू देम विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इज इट क्लियर? हटा सकते हैं इसको?
एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। फुल टाइम आप काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं। फुल टाइम एम्प्लॉई हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई एम्प्लॉई होता है, उसको दी जाने वाली सैलरी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। फुल टाइम आप एम्प्लॉई हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो, उसको दी जाने वाली सैलरी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। बात करेंगे हम सीधे अब सेक्शन 15 की। ना तो मैं सरेंडर की बात करूंगा अभी, ना तो फॉरगॉन ऑफ सैलरी की बात करूंगा। मैं डायरेक्टली अब बात करूंगा किसकी, सेक्शन 15 की। वो बाद में आकर बताऊंगा फॉरगॉन सैलरी क्या होती है, सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होती है। पहले समझ में तो आया सैलरी है क्या। सेक्शन 15, इस सेक्शन को लोग बहुत ही लाइटली डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? लाइटली, और हम बहुत हैवी तरीके से डील करेंगे। हाँ, सेक्शन 15, तीन चीजें बताई गई हैं। अब मान लो कि हम सब लोग एम्प्लॉयज हैं। हम लोग क्या हैं? एम्प्लॉयज। सेक्शन 15, दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन, दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन। और इस चैप्टर में आपके पास जो सेक्शंस हैं, केवल सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, दैट्स इट। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन सेक्शन तीन है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। अच्छा, अगर मैं बात करूं सेक्शन 15 की, दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन, दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन, और ये सेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी अमाउंट ऑफ इनकम को उस पर्टिकुलर हेड में टैक्स लगाने और ना लगाने पर। इसने कहा मैंने अपने यहां एक एम्प्लॉई रखा, मैं उसको 30,000 पर मंथ देता हूँ। कितना देता हूँ? सच सच बताना, एक साल में मुझे उसको कितना देना चाहिए? पक्का ना? हाँ या ना? ये ड्यू हो गया है। क्या हो गया है? ड्यू हो गया है, ये मुझे देना है। दैट हैज़ बिकम ड्यू विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। इतना अमाउंट मुझे अपने एम्प्लॉई को पेमेंट करना है। इसका मतलब ये, अगर मैं एम्प्लॉई की बात करूं, सैलरी हेड की बात करूं, तो एम्प्लॉई को इनकम कितनी मिलनी है? एम्प्लॉई को इनकम कितनी हुई? 30,000 मैं तुम्हें 30,000 पर मंथ देता हूं, साल भर में कितना कमा लोगे हमसे? तो बोलो ना, मेरी इनकम 3,60,000 हो गई। बोलो ना, मेरी इनकम 3,60,000 हो गई, हुई ना? तो टैक्स कितने पर लगना चाहिए? ड्यू बेसिस। किस बेसिस पर? ड्यू बेसिस। पहला पॉइंट सुन लो, किताब मत देखो। लेकिन मैंने तुम्हें, जानते हो कितना पे किया? मैंने तुम्हें पे किया 3,00,000। तो बताओ तुम्हारी इनकम कितनी हो गई? तुम्हारी इनकम कितनी? 3,60,000 बोला गया रिसीट बेसिस। सर आप कभी इधर बात करते हो, कभी उधर बात करते हो। आप कह रहे हो इनकम हो गई ड्यू 3,60,000, तो इनकम पर टैक्स लगना चाहिए ड्यू बेसिस पर। फिर आप लिख रहे हो 3,00,000 रुपए पेमेंट किया है तो मुझे 3,00,000 मिली है, तो आप कह रहे हो रिसीट बेसिस पर। हम जाएं तो जाएं कहां? कहा गया जो दोनों में से पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। मतलब ड्यू हो गया ना, मिला नहीं है ना? ड्यू हुआ या नहीं? ड्यू हुआ या नहीं? मिला नहीं ना? मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? ड्यू हो गया ना, तो ड्यू बेसिस पर टैक्स लगा दो। यानी कितने पर? लेकिन अगर तुम्हें मैंने पे कर दिया, कितना पे कर दिया, अब बताओ कितने पर टैक्स लगेगा? 3,60,000 या 4,00,000? अब कितने पर टैक्स लगेगा? जो दोनों में से पहले हो जाए, जो दोनों में से पहले हो। तुम्हें ड्यू कितना हो गया? 3,60,000। रिसीट कितना हुआ? 4,00,000। जो दोनों में से पहले हो, तो पहले कौन हो गया? 4,00,000। पहले क्या हो गया? 4,00,000। हमारा इनकम ड्यू नहीं हुआ, तुमको जो इनकम मिलनी थी मुझसे वो ड्यू नहीं हुई, लेकिन टैक्स लग जाएगा क्योंकि तुमको वो इनकम रिसीट हो चुकी है।
ड्यू हुआ हो, रिसीट नहीं हुआ तो भी टैक्स लग जाएगा। रिसीट हो गया, ड्यू होना बाकी है तो भी टैक्स लग जाएगा रिसीट बेसिस पर। मिल गई ना तुमको इनकम, मिल गई ना तो लगा दो टैक्स, दिक्कत क्या। लेकिन ये इतना हल्का पॉइंट नहीं है, जरा इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे, तुम लोग खुद बताओगे हमें क्या करें, क्योंकि टैक्स तुम लोगों को देना है। हम ईयर्स को चेंज करते हैं, ढंग से सुनना इधर। प्रीवियस ईयर 13-14, प्रीवियस ईयर 14-15, प्रीवियस ईयर 15-16, एक साल और ले लेते हैं 12-13। बस हमें आपको सैलरी दे दी, सैलरी मैंने ड्यू कर दी 360,000 ना, हर साल 360,000 ड्यू हो जाएगी ना। 12 महीने में मुझे आपको कितनी देनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट मींस द ड्यू सैलरी विल बिकम ₹360,000 इन ईच एंड एवरी केसेस। हम मान लेते हैं बीच में कभी सैलरी बढ़ी नहीं घटी नहीं, तो हर साल आपको मुझे 360 देना है। अब बताओ आपको रिसीट हुई है सैलरी, मैंने जो सैलरी दी है आपको कितनी दी है, मैंने जो आपको सैलरी दी है कितनी दी है, मैंने जो आपको सैलरी दी है कितनी दी है, मैंने जो आपको सैलरी पे की है 480 पे की है। अब मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि मेरे किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा। सर इसमें कंफ्यूजन क्या है, आप बिना टेंशन पालते हैं, जो दोनों में से पहले हो जाए। हाँ भाई मैंने तो यही बोला ना, जो दोनों में से और जरा जोड़ करके बताओ टोटल कितने अमाउंट पर आपने टैक्स लगाया, बता सकते हो, ऐड करो 9, 4, 13, 3, 16, 17, 40 कितना आ गया 17,40,000 आया। जबकि कसम खा करके बताओ कि अगर तुम्हें 360 ही मिला होता 4 सालों में, तो टोटल तुम्हारे ऊपर टैक्स लगता कितने पर। कितनी अजीब बात है। अगर तुम्हें चुपचाप तुम्हारी सैलरी मिल गई होती तो तुम्हारा 360 मिला करके 14,40,000 पर टैक्स लगता, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे ऊपर तो 17,00,000 पर टैक्स लग गया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे ऊपर आप 17,00,000 का टैक्स लगा रहे हो। मेरी इनकम 14,00,000 की है और टैक्स में दूंगा 17,00,000 पर, गलत है या नहीं। तो सही कैसे किया जाए, इसको सही ऐसे करना है, ढंग से देखना। पहला केस, टैक्स कितने पर लग जाएगा, सर आप 360 पर टैक्स लगा दो, 360 पर टैक्स लगा दो, जो दोनों में से पहले हो। कितने रुपए पर ज्यादा टैक्स लग गया, जो अभी तुमको मिला नहीं, मिलेगा या नहीं, ये 60,000 मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, जो तुम्हें 60,000 इस साल नहीं मिला है वो कब मिलेगा, जो 60,000 तुम्हारी सैलरी तुमको नहीं मिली वो कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर मिलेगी, बोलो ना, तो नेक्स्ट ईयर इसमें मिलेगी। इसका मतलब इसमें 60,000 पिछला वाला है सर जी, आपने उस पर टैक्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। एक ही इनकम पर दो दो बार टैक्स थोड़ी लगता है, पिछले साल भी टैक्स लगाओ, इस साल भी टैक्स लगाओ, मजाक समझ रखा है क्या, दो दो बार टैक्स दूंगा मैं 60,000 पे, पिछले साल तो टैक्स दे चुका मैं 60,000 पे ज्यादा, फिर उसको मिलेगा तो फिर टैक्स दूंगा। तो इसका मतलब हमें इस साल का कितना मिला है 340। अब बताओ इन 12 महीने का मुझे मिलना चाहिए था 360 और इन 12 महीने का मुझे मिला कितना 340, तो जो दोनों में से पहले हो, यानी टैक्स कितने पर लगेगा 360। फिर मैंने ज्यादा का टैक्स दे दिया, कितने रुपए पर ज्यादा का टैक्स दे दिया 20,000, जो कि मुझे मिला ही नहीं, वो मुझे कब मिलेगा अगले साल, तो इसमें मिला होगा 20,000।
तो सर जी आप भी ना दो दो बार टैक्स लगाएंगे, आप उसको हटा दीजिए, तो मुझे कितना मिला इस साल? 84। मिलना कितना चाहिए था? मिल कितना गया? तो जो दोनों में से पहले हो, 84। बोलते क्यों नहीं? हाँ या ना? अब नया लोचा पैदा होगा, 84 पर टैक्स लग गया, यानी 1,20,000 रुपए ज्यादा पर मैंने टैक्स दे दिया, और ये 1,20,000 मिल तो गया है, अगले साल नहीं मिलेगा। अगले साल नहीं मिलेगा। बोलो तो अगले साल कितना मिलेगा? अगले साल कितना मिलना चाहिए हमको? 360 की जगह कितना मिलना चाहिए? सर 240 मिलना चाहिए। कितना? क्योंकि 120 तो एक्स्ट्रा लग चुका टैक्स। अरे बोलना, तो 120 फिर मिलेगा तुमको दोबारा? एम्प्लॉयर ने कहा ले लो 1,20,000, पिछले साल ही दे दिया था, फिर देगा तुमको 1,20,000? कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं तुम्हारे पास जो 4 महीने की सैलरी तुमको फोकट में देगा फिर से? 4 महीने की सैलरी तुम ले चुके हो और उस पर टैक्स लग चुका है, अब वो सैलरी दोबारा मिलेगी? नहीं सर, वो सैलरी दोबारा नहीं मिलेगी। इसका मतलब 360 मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था साल भर में 120 ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके हैं, यानी अब मिलना कितना चाहिए था? मिल कितना गया? कितना एक्स्ट्रा मिल गया? इसको हम कहते हैं एडवांस। इसको हम क्या कहते हैं? एडवांस। अब ढंग से सुनना, इस एडवांस को थोड़ा किनारे करते हैं। 360 मिलना चाहिए था, मिला कितना? कितने पर टैक्स लगाए? 240, क्योंकि 120 पर तो ऑलरेडी हम यहां पर टैक्स लगा चुके हैं। यही 120 हमको अगले साल ड्यू हो रहा है। बोलो तो दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अब जो दोनों में से अधिक हो उस पर मत चले जाना, ये भी मत बोलना जो दोनों में से कम हो, गलत हो जाएगा। ये बोलो कि एक इनकम जिस पर टैक्स लग चुका है एडवांस बेसिस पर, दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगेगा ड्यू बेसिस पर। ओ अब देखो कितना सही हो गया। जिस इनकम पर टैक्स लग चुका है एडवांस बेसिस पर, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा ड्यू बेसिस पर। यानी अब वो अमाउंट ड्यू कर ही क्यों रहे हो? ड्यू कितना होगा? 240। हाँ या ना? और 240 के बदले 240 मिल गया, 240 पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, और ये जो एक्स्ट्रा मिल गया है एडवांस, रिसीट बेसिस पर टैक्स लग जाता है। किस बेसिस पर? तो रिसीट बेसिस पर। फिर 240 पर टैक्स लगा दो, यानी टोटल कितने रुपए पर टैक्स लग जाएगा? 40। अब कहानी क्लियर होगी? नहीं क्लियर है? ये चीज एग्जाम्पल क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ढंग से समझना, यहीं पर इंपॉर्टेंट है कि एक इनकम जिस पर ऑलरेडी टैक्स लगा चुके हो, दोबारा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दैट्स इट। वंस यू विल चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स, यू विल नेवर बी सपोज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द सेम इनकम, इधर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस। अगर आपने रिसीट बेसिस पर टैक्स दे दिया है, देन ऑन ड्यू बेसिस आपको टैक्स नहीं देना। अगर आपने ड्यू बेसिस पर टैक्स दे दिया है, तो अब आप रिसीट बेसिस पर टैक्स नहीं दोगे। अब तक शुरू के 3 सालों में हो क्या रहा था? ड्यू सेम हो रहा था, लेकिन रिसीट कम हो रहा था। तो हम लोग किस बेसिस पर टैक्स लगा दे रहे थे? ड्यू बेसिस पर। लेकिन यहां एडवांस मिल गया, तो अब जब एडवांस मिल गया, तो अब उस पर ड्यू बेसिस पर टैक्स ना लगाओ। अब क्लियर है? दोबारा उसी इनकम पर टैक्स ना लगाओ। 2 मिनट लो, आराम से इस सेक्शन को देखो, खुद से समझो, और उसके बाद हमें बताओ कहां फंस रहा है। फंसेगा जरूर, करो।
देखो हमने ये बोला हमने क्या बोला आपको ड्यू कितना होना चाहिए आपकी इनकम कितनी 360 मिला कितना जो दोनों में से पहले हो तो सर प्लेन प्लेन ना 360 पर टैक्स लगा दीजिए आप अच्छा यानी आपको जो पैसा नहीं मिला 60,000 उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया और ये 60,000 हमको मिलेगा कब अगले साल इसका मतलब ये 60,000 पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो इसका मतलब इस साल का कितना मिला 340 और जबकि टैक्स कितने पर बनना चाहिए 360 ड्यू हुआ 340 मिला है 60,000 पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो अब मिलने पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा तो 340 मिला इस साल का जबकि इस साल का मिलना कितना चाहिए था तो जो दोनों में से पहले हो तो सर 360 तो इसका मतलब फिर 20,000 पर ज्यादा लग गया टैक्स फिर 20,000 पर टैक्स ज्यादा लग गया जो नहीं मिला वो कब मिलेगा अगले साल तो इसका मतलब 480 अगले साल मिला होगा उस साल कितना मिला होगा 480 360 मिलना चाहिए था मिला कितना तो 360 पर तो टैक्स लगा लगा 120 पर ज्यादा टैक्स लग गया 480 पर टैक्स लग गया क्योंकि मिल गया ज्यादा मिल गया अगले साल क्या ये 120 मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो हमें मिल चुका है पहले ही मिल चुका है दोबारा मालिक हमको देगा 120 नहीं तो दोबारा हमको मालिक 120 नहीं दिया होगा यहां पे नहीं दिया होगा देना कितना चाहिए था 360 में 120 ऑलरेडी दे चुका है तो मिलना कितना चाहिए यहां पे 240 मिला होगा हमें करंट ईयर का मिला होगा और 240 हमें फिर एडवांस मिल गया कब के लिए अगले साल के लिए हाँ या ना 360 मिलना था 240 पर मिला है लेकिन इस 360 में 120 तो ऑलरेडी ड्यू हो चुका ऑलरेडी रिसीट हो गया तो दोबारा ड्यू बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा ऑलरेडी जो चीज रिसीट हो गई है तो दोबारा ड्यू बेसिस पर उस पर टैक्स लगाओगे क्योंकि जो चीज पहले मिल चुकी है वो आगे कहीं ना कहीं चलकर ड्यू होगी होगी जो चीज पहले मिल गई वो आगे चलकर ड्यू होगी तो आगे चलकर ड्यू हुई वहां से भी हटाओ यानी मिलना कितना चाहिए था 240 मिला कितना 240 टैक्स कितने पर लगेगा 240 और 240 जो आगे मिल गया आगे का एक्स्ट्रा अब आगे वाले साल का मिल गया एडवांस उस पर भी तो टैक्स लगाओगे नहीं लगाओगे दिस इज द वे क्लियर है समझ में आया बोलो हटा सकते हैं इसको अब जो हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट आज के लिए सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपीपी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज सेक्शन 14 देखा देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपीपी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज चलो बताओ कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कौन कौन से सही बोल रही है कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं नाम बताओ कैपिटल गेन कितने सोर्स ऑफ इनकम तुम बताओ कौन कौन से पीजीपीपी अदर सोर्स हाँ बोलो बेटा कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कौन कौन से सबका जवाब गलत है सबका जवाब गलत है मैंने तुम लोगों से हेड्स ऑफ इनकम कहाँ पूछे थे मैंने तो तुम लोगों से सोर्स ऑफ इनकम पूछा हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं
अनलिमिटेड। मैं 10 घर रखता हूं, कितने घर रखता हूं, तो मेरे 10 सोर्स ऑफ इनकम है। हेड एक है, सोर्स ऑफ इनकम 10। मैं 5 जगह काम करता हूं सैलरी, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम सैलरी हेड में 5 हैं, लेकिन हेड एक है। मेरे 50 बिजनेस है, मोची का भी काम करता हूं, नाउ काम करता हूं, सब काम करता हूं, 50 बिजनेस है, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, 50, लेकिन हेड ऑफ इनकम कितने हैं, एक। पीजीबीपी, मैं जुआरी भी हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूं, मुझे ऑनोरेरियम भी मिलता है, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर भी हूं, मैं कॉपियां भी चेक करता हूं, मैं पेपर सेटर हूं, उसका भी रिमनरेशन मिलता है, मैं इन्विजिलेटर का काम करता हूं, उसका भी पैसा मिलता है, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मैं रिसोर्सेज में भी चाहता हूं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम तो कई हो सकते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम केवल। अब क्लियर है, पक्की बात। तो सबका जवाब क्या था, सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 14 ए मैंने बोला था, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। सेक्शन वही डिसअलाउड और नॉट अलाउड। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, 2 पॉइंट मैंने बताया अब तक, 3 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, और इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिया। तीसरा पॉइंट क्या है, दैट इज योर एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं एरियर ऑफ सैलरी की बात करता हूं। सेक्शन 89(1) का मतलब होता है रिबेट एंड रिलीफ, रिलीफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। हम लोग अभी बात करेंगे एरियर ऑफ सैलरी पर, किस पर, क्या है ये एरियर ऑफ सैलरी। जो चीज ड्यू हुई है रिसीट होगी, जो चीज रिसीट हुई है वो ड्यू होगी, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा अमाउंट जरूर होता है जो ड्यू नहीं होता, डायरेक्ट रिसीट हो जाता है। ये मेरा एम्प्लॉई है, ये जब मेरे आया था मैंने कहा देख 20,000 रुपये पर मंथ दूंगा, 2 साल बाद तेरी सैलरी बढ़ा करके मैं 24,000 कर दूंगा, ये आ गया। 2 साल बीत गया, ये आया कर रहा मालिक 24,000 कर दे, मैंने कहा ये ले, नहीं बढ़ाऊंगा, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। क्या कर दिया, मैंने कहा तू काम कहाँ करता है ढंग से, तेरी सैलरी बढ़ाऊँ, तो कंडीशंस को सीधे सीधे वॉयलेट करता है, मैंने तो एग्रीमेंट में तेरे साथ लिखा था कि तू ये काम इस तरह से करेगा, तू काम कहाँ करता है, तेरी सैलरी बढ़ाकर फायदा क्या मिलेगा, इसने मेरे ऊपर केस कर डाला, और लाइफ हो गई झिंगा, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। आज 10 साल बाद, कितने साल बाद, कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट का डिसीजन आया, दे दो 4,000 पर मंथ के हिसाब से सालाना 48,000 और 10 ईयर्स का 4,80,000। मैं कभी इसको ड्यू नहीं दिखा रहा था, मैं हमेशा दिखा रहा था मुझे 20,000 देना है, मुझे 20,000 देना है, और मैं 20,000 दे रहा था, इस पर टैक्स लग रहा था। ये तो 4,000 का डिस्प्यूट हुआ, अचानक 10 साल का एक हैंडसम अमाउंट इसके हाथ में जाकर गिर गया 4,80,000। ये है एरियर ऑफ सैलरी। मैं सोच रहा था मैं जीतूंगा, इसलिए मैंने कभी ड्यू किया ही नहीं। अगर मैं ड्यू कर देता 24,000 तो सुप्रीम कोर्ट कहता तू तो पहले ही मान कर बैठा है, हार गया, तेरा केस कमजोर है, तूने तो खुद दिखा रखा है 24,000, दे दे उसको। मैंने कभी 24,000 दिखाया ही नहीं, मैंने अपनी बुक्स में हमेशा कितना दिखाया, 20,000। ड्यू करता गया और देता गया। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो मुझे इसको 4,80,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये कभी ड्यू तो हुआ नहीं, डायरेक्ट क्या हो गया, रिसीट हो गया। दिस इज नोन एज एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ। अगर इसको हर साल 48,000 48,000 रिसीट हुआ होता, इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 48,000 वुड हैव बीन रिसीट बाय द एम्प्लॉई, तो स्लैब रेट कम होता, टैक्स कम रेट से लगता, 10% वाला छोटा वाला टैक्स रेट लगता, कम इनकम पर टैक्स कम रेट से लगता है, बड़े इनकम पर टैक्स बड़े रेट से लगता है, तो इसके ऊपर टैक्स कम बनता 48,000 पर, या बनता ही नहीं जो बात है। लेकिन अब अचानक 5 लाख रुपए मिल गए, सरकार खुश,
बड़ा अमाउंट मिला है तो बड़ा टैक्स भी आएगा सरकार के पास। लेकिन ये गलत है या नहीं, गलत है या नहीं? बहुत गलत है, बहुत गलत है। पहले तो ये बताओ इस 480 पर टैक्स लगाएं या नहीं? अरे सर बिल्कुल लगाओ टैक्स। अरे कैसे लगा दें, ड्यू और रिसीट है दोनों में से जो पहले हो, रिसीट हुआ, ड्यू तो कभी होगा ही नहीं, टैक्स कैसे लगा दें? तो सरकार ने कहा हमें मत बसाओ, हम एक और लाइन ले आ रहे हैं, एरियर ऑफ सैलरी पर भी टैक्स लगता है। तो कल ये मत कहना कि एरियर ऑफ सैलरी नहीं लिखा है तो नहीं टैक्स लगेगा। अगर ये लाइन यहाँ नहीं होती तो शायद एरियर ऑफ सैलरी पर टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ ड्यू होती है कभी ना कभी रिसीट होती है, जो रिसीट हो गई है कभी ना कभी ड्यू होगी, यही तो देखा। लेकिन जो चीज़ अचानक रिसीट हो गई, जो ड्यू होगी नहीं, तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? लगेगा, सरकार ने कहा एरियर ऑफ सैलरी पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन अचानक बड़े अमाउंट पर बड़ा टैक्स लगा है तो गलत है, आपको हम कुछ छूट दे देंगे, और वो छूट होगी सेक्शन 89(1) में, वो देखा जाएगा। तीन पॉइंट बोलता है सेक्शन 15, कितने पॉइंट्स? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर एंड एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1), दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे, ढंग से सुनना, सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(3) और सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(2) एंड सेक्शन 17(3), इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीज़ें कहलाती हैं डिडक्शंस, इस चैप्टर की डिडक्शंस, और ये तीनों चीज़ें डेफिनीशंस हैं। क्या हैं? डेफिनीशंस हैं। इसमें जो डिडक्शन बताई गई है उसका नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैं केवल अभी लिख दे रहा हूँ हेडिंग्स, डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और इसको हम लोग नाम देंगे प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो नाम दे दो। इसको कहेंगे सैलरी को डिफाइन करना, डेफिनेशन ऑफ सैलरी, डेफिनीशन ऑफ परक्विजिट्स एंड डेफिनीशन ऑफ प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरा तो नहीं होगा, ठीक। जो बताया उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, टाटा बोले, थैंक यू बच्चों।